नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। फिलहाल दोस्तों आप सभी को मालूम है बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पे है। पहले तो टीम इंडिया ने 2-0 से टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने अपने नाम करने के बाद बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। T20 पहला मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने में कामयाब बन चुकी है। सिर्फ एक मैच T20 की जीत लेती है तो टीम इंडिया इस T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सेकंड T20 मैच खेली जाएगी उसको कवर करते हैं। ये मैच इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी पिच पर ये मैच खेली जाएगी, यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो पिच रिपोर्ट होती है। अगर हम पिच रिपोर्ट को सही से बारीकी से जान लेते हैं तो उस मैच में हम बेहतर प्रॉफिट में रह सकते हैं। किस तरह हम इस मैच से प्रॉफिट निकाल सकते हैं उसके बारे में तो बात करेंगे, उसके अलावा दोनों टीम के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश की टीम पहला T20 मैच को हारने के बाद प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव सेकंड T20 में कौन से प्लेयर को मैदान में उतारने वाले हैं, यानी कि हम आपको इस छोटी सी वीडियो में सभी चीज के बारे में पूरी में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये जो सेकंड T20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाने वाला है 9 अक्टूबर को भारतीय समय के हिसाब से शाम को 7 बजे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन वाली वीडियो मिलती रहती है। आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और एक चीज दोस्तों, आप सभी क्रिकेट मैच से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होकर पहले तो हमारा काम चेक कर लीजिए, किस तरह हमारा काम चलती है, किस तरह हमारा बैक टू बैक मैच पास जा रही है। अभी बिना 1 रुपया खर्चे बिल्कुल फ्री में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए सीधे वीडियो की मेन टॉपिक पर चलते हैं और आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ये मुकाबला खेली जाएगी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर। आप सभी को मालूम है इस मैदान के ऊपर ज्यादातर डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते हैं, यानी कि ज्यादातर IPL वगैरह के मैचेस खेले जाते हैं। ये जो पिच है दोस्तों बल्लेबाजी के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। आप अगर IPL देखे होंगे तो IPL में से कितने बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर बनते थे, यार अभी जो गुजरा IPL की सीजन यहाँ पर खेले गए आखिरी के 5 मैच में 266, 224, 257, 221, 208 जैसी स्कोर देखने को मिली थी। इससे भी दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का बल्लेबाजी होती है। सही में बल्लेबाज अगर यहाँ पर नाप तोल के खेलते हैं तो डेफिनेटली 200 से ऊपर का स्कोर आराम से बना ही लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर गेंदबाजी की बात आती है यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों के मुकाबले स्पेस गेंदबाजों का ज्यादा दबदबा देखने को मिलती है। स्पिन गेंदबाज अगर यहाँ पर लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं फिर भी यहाँ पर उनको विकेट मिलना बहुत ही कम चांसेस है, हाँ एक आध विकेट चटका सकते हैं। लेकिन इस मैच में ज्यादा विकेट जो लेने वाले हैं वो स्पेस गेंदबाज है, 80% जो विकेट है वो स्पेस गेंदबाज लेते हैं और स्पिन गेंदबाजों को सिर्फ 20% विकेट लेने में चांसेस मिलती है। और एक चीज तो आपको बता दूं, यहाँ पर पहली पारी में कम विकेट गिरते हैं, दूसरी पारी में यहाँ पर पहली पारी के मुकाबले ज्यादा विकेट गिरते हुए नजर आते हैं। इस ट्रैक पर खेले गए T20 इंटरनेशनल मैच की अगर बात करी जाए फिलहाल अभी तक इस ट्रैक के ऊपर T20I में से 7 मुकाबले खेले गए हैं। फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 3 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 4 मैच में विन किए हैं। यहाँ की एवरेज फास्ट इनिंग्स में 164 तक देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट टोटल टीम इंडिया के नाम पर दर्ज हुई है 4 विकेट के नुकसान पर 211 रन और लोएस्ट टोटल यहाँ पर 10 विकेट के नुकसान पर 120 रन श्रीलंका के नाम पर दर्ज हुई है। यार ये तो गए T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात, लेकिन आप अगर देखेंगे IPL में खेले गए आखिरी के 5 मैच में उसमें से यहाँ पर फास्ट बैटिंग करने वाली टीम 5 के 5 मैच में जीत हासिल किए हैं। चेस वाली टीम को मैच जीतने की कोई मौका नहीं मिली थी। ये भी तो यार एक प्रकार का T20 मैच है, इसी हिसाब से यहाँ पर कोई भी कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना सही निर्णय हो सकती है। स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर अगर गौर करेंगे उसमें से 3 मैच में यहाँ पर 200 से नीचे का स्कोर बनी है, 200 से लेकर 250 का स्कोर 1 मैच में गई है और 250 से लेकर 300 का स्कोर भी 1 मैच में गई है, बाकी 300 से अबव स्कोर यहाँ पर 2 मैच में देखने को मिली है। स्कोर तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर बनते हैं लेकिन बनाने वाला चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच में हमें कितना स्कोर बनती हुई नजर आ सकती है। हमारे हिसाब से पहले का 6 ओवर में कम से कम 40 से 45 के आसपास स्कोर जाएगी, 10 ओवर तक आपको 80 से 85 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आएगी, 15 ओवर तक आपको 120 से लेकर 125 की स्कोर और आखिरी के 20 ओवर तक कम से कम 180 से 85 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आएगी। स्कोर का आपके और हमारे भाषा में सेशन बोलते हैं। आपको इस मैच में ऐसा ही कुछ सेशन देखने को मिल जाएगी। पहली मैच में सेशन की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर नहीं दिए थे लेकिन इस मैच में हम सेशन की जानकारी आपको पूरी विस्तार में बताएंगे। आप अगर सेशन खेलते हैं तो यहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यार ऐसा ही कुछ अरुण जेटली स्टेडियम की लेखा जोखा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम स्कोर चलते हैं। सबसे पहले दोनों टीम की हेड टू हेड की कंपैरिजन करके देख लेते हैं। मेरे भाई T20 इंटरनेशनल मैचेस की जब बात आती है, इंडिया और बांग्लादेश की टीम टोटल 16 मैच में आमने सामने भिड़े हैं। इसमें से बांग्लादेश की टीम 1 मैच में जीते हैं तो वही टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 15 बार मात देने में सफल हुई है, यानी कि टीम इंडिया 15 मैच में विन किए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर टीम इंडिया का पलड़ा बहुत ही भयंकर भारी है और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर दोनों ही टीम खेल चुके हैं। दोनों टीम को तजुर्बा खेलने की, टीम इंडिया ने इस ट्रैक के ऊपर 3 मैच खेले और तीनों के तीनों मैच में विन किए हैं और बांग्लादेश की टीम भी इसी ट्रैक के ऊपर 1 मैच खेले हैं और उस मैच को विन भी किए हैं। ऐसे में इस मैच में थोड़ा बहुत टक्कर देखने को मिल सकती है। मान के चलिए अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है, टीम 170
84 की स्कोर बनाती है, उस हालत में आराम से टीम इंडिया उस मैच को अपने नाम कर सकती है, क्योंकि यहां पर 212 रन पहले भी चेस होते हुए नजर आ चुकी है। लेकिन अगर टीम इंडिया टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है, सही तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो कम से कम 210-20 की स्कोर तो बना ही लेंगे। अब चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते, दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करते हैं, इनके ओपनिंग में आपको संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा दिखेंगे, 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे रियान पराग, 7 पे रिंकू सिंह, 8 पे वाशिंगटन सुंदर, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे अर्शदीप सिंह, आखिरी के 11 नंबर में मयंक यादव नजर आएंगे। इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से 4 खिलाड़ी बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, एक तो संजू सैमसन, दूसरे में अभिषेक शर्मा, 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे हार्दिक पांड्या। लेकिन गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, इनके यार शानदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी। पहला मैच में इनका गेंदबाजी आप देख ही चुके हैं, दोनों ही गेंदबाज किस तरह 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। इनके अलावा हार्दिक पांड्या और मयंक यादव, ये दोनों भी एक आध विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। यार ये तो रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, इनके ओपनिंग में आपको लिटन दास के साथ परवेज होसैन इमोन दिखेंगे, 3 पे नजमुला होसैन संतो, 4 पे त्रोबित रिडोई, 5 पे मोहम्मदुल्ला रियाद, 6 पे जाकर अली, 7 पे मेहदी हसन मिर्जा, 8 पे रिशाद होसैन, 9 पे तस्किन अहमद, 10 पे मुस्तफिजुर रहमान और आखिरी 11 नंबर में आपको मोहम्मद शरीफुल इस्लाम खेलते हुए नजर आएंगे। इनके तरफ से बल्लेबाजी में माहेदी हुसैन मिर्जा और नजमुला हुसैन सांतो की अच्छा बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। गेंदबाजी में भी माहेदी हसन मिर्जा, मुस्तफिजुर रहमान की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। दोनों टीम के तरफ से कुछ इस तरीके का बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिलेगी, प्लेइंग 11 भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मान के चले इनके प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होती है, टॉस के बाद हम दोनों टीम की प्लेइंग 11 हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब यार बारी इस मुकाबले की विनर टीम के बारे में जानने की, इन दोनों टीम में से कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है। देखिए यार पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी कप्तान टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगा उसका उस मैच को जीतने की ज्यादा चांसेस रहेगी। और दोनों टीम की कंपैरिजन में टीम इंडिया इस मुकाबले की दावेदार ऑब्वियसली नजर आ रही है। इन सारे स्टेक्स, इन सारे रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे तरफ से इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी वो यार और कोई नहीं टीम इंडिया रहेगी। हम तो यार टीम इंडिया के साथ जाने वाले, आपके मन में क्या राय है, मैच विनर को लेकर आपके कीमती राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर बैक टू बैक मैच पास जा रहा है, सीपीएल फाइनल मैच में 15-18 पैसे का जैकपॉट भी उड़ा है, आपको यकीन नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरे भाई इस मुकाबले रिलेटेड इतना ही, चलिए आप सभी से दोस्तों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।